हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी दोपहर के 12:15 बज रहे हैं और मैं बाहर बालकनी में कपड़े फैला रही हूँ। आज सुबह मतलब मुझे कुछ काम था तो मैं फैला नहीं पाई थी, इसलिए मुझे इतनी धूप में फैलाना पड़ रहा है। और आप लोग को कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि धूप इतनी तेज़ है ना। वही है ना कि रोशनी कम हो तब भी वीडियो अच्छे नहीं बनते और रोशनी ज़्यादा हो तब भी वीडियो अच्छे नहीं बनते। खैर, मैं यहाँ दोपहर के कपड़े फैला रही थी और अदविक स्कूल से आया था तो मैंने उसे कपड़े वपड़े चेंज करवा के उसको अच्छे से हाथ पैर धुलवा दिया था। कपड़े मैंने अभी उसको नहीं पहनाए हैं क्योंकि तुरंत ही कपड़े नहीं पहनाते हैं कि तुरंत बच्चा आया है। जब वो आता है स्कूल से तो मैं थोड़ी देर के लिए बाद ही पंखा भी थोड़ी देर बाद ही चलाते हैं, तुरंत उसे पंखे की हवा में लेकर नहीं आते हैं। और फिर उसके बाद उसे कपड़े वपड़े उतार देते हैं, उसके हाथ पैर धुलवा देते हैं, तभी उसको पंखे की हवा में रखते हैं। और रही बात पानी की, तो पानी बॉटल लेके जाता है तो रास्ते में पीते हुए ही आता है। मतलब जब मेरे साथ उसे पैदल आना पड़ता है तो रास्ते में पीते पीते ही आता है। अब हम ही लोग को प्यास लग जाती, फिर तो बच्चा है। और यहाँ पे वो अपना कुछ खिलौना लिया था वही दिखाने की कोशिश कर रहा था पर ना वो कैमरा सही से देख नहीं पाया। तो बस यहाँ पर मैं आ गई कपड़े फैला कर, 10 मिनट 5 मिनट में हालत एकदम ख़राब हो जाती है कपड़े धूप में निकलो तो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज कई दिन बाद मैं ब्लॉग कर रही हूँ, मतलब प्रॉपर ब्लॉग कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:15 और मैं आधा घंटा हो गया मैं अदविक को लेकर स्कूल से आ गई हूँ। और आज तो मतलब बहुत ज़्यादा थकावट है, मतलब सुबह से ही ना शरीर एकदम भारी भारी से लग रहा था, एकदम थकावट जैसे। अदविक को स्कूल तक लेने जाने की भी हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी पर फिर भी हमने कहा चलो चलते, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रही है। आपको अदविक की आवाज़ आ रही होगी, वो खेल रहा है अपना। अभी वो स्कूल से जब आता है तो मैं उसको तुरंत कपड़े नहीं पहनाती हूँ, मतलब थोड़ी देर उसको देखकर बनियान में रहने देते हैं, थोड़ी देर पंखा बंद रखते हैं ताकि शरीर नॉर्मल जो पसीना आया है वो सूख जाए, उसके बाद पंखा चलाएं। और फिर जब पंखा चलाते हैं उसको नॉर्मल रहने देते हैं ताकि तुरंत ही उसको कपड़े नहीं पहना देते हैं। थोड़ी देर वैसे खेल लेता है 15-20 मिनट आधा घंटा, उसके बाद मैं उसको कपड़े पहनाती हूँ। तो आज मैं बता रही थी बहुत थक गई थी। एक्चुअली थकावट की वजह ये होती है ना कि रात में नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। देखिए मैं भी आई हूँ ना, मेरे बाल देखिए कैसे हो रहा है। तो रात में नींद बिल्कुल नहीं आती, पूरी रात ऐसे बीत जाती है, 2:30 बजता है 3 बजता है, बार बार आँखें खुलती है, घड़ी देखो कभी 2:30 बज रहा है कभी 3 बज रहा है, तो नींद आती नहीं है। तो सुबह जाहिर सी बात है थकावट महसूस होगी। और फिर सुबह भी अगर सुबह के टाइम थोड़ा नींद आती भी है तो अभी कोई स्कूल भेजना होता है तो उसके लिए मुझे जल्दी उठना होता है, उसका टिफिन बनाना, उसको तैयार करना। अब एक दिन का तो है नहीं कि उसको स्कूल नहीं भेजेंगे, तो उसमें फिर धीरे धीरे नाश्ता वगैरह करते करते 10:30 बज जाता है। फिर ये सोचो कि आज तो 10:30 की घड़ी मैं लेट गई थी, मुझे नींद आ गई थी। अदविक के टाइम पर भी ऐसा होता था कि मुझे रात भर नींद नहीं आती थी, तो उस टाइम पे क्या होता था कि मैं 11 से 1 सोती थी। मतलब उस टाइम पे मैं मायके में थी तो कोई टेंशन ही नहीं था। सेकेंड प्रेगनेंसी वाकई में बहुत टफ हो जाती है क्योंकि आपके पास एक बच्चे की जिम्मेदारी ऑलरेडी रहती है। नहीं तो अदविक के टाइम पर क्या था कि मैं 11 से 1 सो जाती थी क्योंकि रात में नींद आती नहीं थी, सुबह नाश्ता वास्ता किया और 11 बजे तो मुझे ऐसी नींद आती थी, 11 से 1 पे एकदम सो जाते थे। पर 11 से 1 अरे यहाँ तो दोपहर में सोना हो ही नहीं पाता है कि उतने टाइम जितने टाइम नींद आ रही उतने टाइम आप सो जाओ। होता है जॉइंट फैमिली में जब आप रहते हो तो ऐसा नहीं है कि आपके पास ढेर सारा काम है तभी आप नहीं सो पाते हो, मतलब अच्छा भी नहीं लगता लोग क्या कहेंगे कि इस टाइम पर सो रहे हैं। और आज तो मतलब थकावट ही बहुत ज़्यादा है। और आज तो मेरी मेड भी चली गई है छुट्टी पर और 2 दिन के लिए, मतलब परसों आएगी आज होकर, तो काम भी जो भी है उनका काम मुझे ही करना है। देखते हैं कैसे क्या होता है, मिलते हैं आगे आप लोगों से। अभी खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद फिर आगे मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, आज जब मैं अदविक को छोड़कर मतलब अदविक को लेकर स्कूल से आ रही थी तो मैंने अपने लिए फ्रूटी लिया था, पर फ्रूटी नहीं मिली, ट्रीट मिला है ठीक है। पर मतलब कुछ मैं ऐसा नहीं है कि डेली हम पीते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी इतनी गर्मी में मन हो जाता है पीने का तो मैंने ले लिया था, इसीलिए मैं छोटा ही लेती हूँ ताकि मतलब ज़्यादा घर पे रहेगा ज़्यादा पीने की चाहिए क्योंकि गर्मियों में थोड़ा ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। पर ये बहुत ही कम लेते हैं, ऐसा नहीं है कि डेली ले लेते हैं। तो अभी यहाँ पर 6:00 बज रहे हैं और मैं आज कपड़े जो मेरे प्रेस होके आ गए थे, मतलब अदविक के पापा के कपड़े हैं उनको मैं रख रही हूँ। ये अदविक के पापा का ही वार्डरोब है जिसको मैं आज पूरी तरह से अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूँगी, क्योंकि क्या होता है कि कुछ हफ्तों में कर दो नहीं तो पूरी अलमीरा जो होती है वो बिखर जाती है। और यहाँ पर ये मैंने शर्ट होल्डर मंगाया था जिसमें शर्ट आप रख सकते हो, 25 शर्ट आप इसमें रख सकते हो, बट क्या होता है ना ज़्यादा शर्ट रख दो फिर निकालने में दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर रही हूँ आज अपनी इनकी वार्डरोब का, अदविक के पापा की वार्डरोब का, क्योंकि मैंने सोचा कि रोज़ सोचती थी, अब थकान तो बहुत हो गई थी लेकिन फिर भी काम तो करना ही था, मैंने कर देते हैं, वो आएंगे देखेंगे खुश हो जाएंगे कि हाँ आज उनकी अलमीरा पूरी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है। खैर, ये सारे काम तो करने ही होते हैं लेडीजों को। तो बस यहाँ पर मैं उनकी शर्ट्स को अच्छे से रख रही हूँ क्योंकि
ताकि उनको आसानी हो मिलने की। कई बार वो होते हैं तो वो खुद से ही कपड़े निकालते हैं, उनको आसानी होनी चाहिए मिलने में, नहीं तो अगर मैं ही निकाल कर देती हूँ कोई बात नहीं, लेकिन अधिकतर तो वो खुद ही निकाल लेते हैं। तो बस ऐसे ही रखते हैं ताकि उनको आसानी हो निकालने में, नहीं तो बाद में बहुत गुस्सा करेंगे कि मैसेज से रख देती हूँ मुझे मेरे कपड़े मिलते नहीं है। खैर ये तो काम चलते रहते हैं, आप लोग इन्जॉय कीजिए मेरा व्लॉग, और आप लोग की लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे आप लोग की प्रेगनेंसी के दिन जा रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की कि रात में नींद नहीं आती, कि आप लोग के साथ भी होता है, अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और सोल्यूशन हो तो वो भी बताइएगा। हालांकि कुछ कुछ सोल्यूशन मैंने बताए हैं अपने वीडियोज में, उससे काफ़ी हेल्प मिल रही है, लेकिन अगर आप लोग का और भी कोई सोल्यूशन हो तो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। सभी बज रहे हैं रात के 8:30 और मैं कर रही हूँ ब्लॉग का एंड, और मेरा सारा काम हो गया है, खाना भी बन गया है, बस मैं भी थोड़ी देर में खाऊंगी खाना। खाना हम लोग जल्दी ही खा लेते हैं रात में, तो बस खाना बन गया है। और आज पूरा दिन बड़ा थकावट वाला था, मतलब पता नहीं कि पूरा दिन ना बहुत थकान 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 सी महसूस हो रही थी, और आज काम भी ज़्यादा हो गया था। खैर और बस मेरा सारा काम हो भी गया है, अब रात का बस खाना खाएँगे, किचन उचन क्लीन करेंगे, उसके बाद सोना ही है। खैर और आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कैसे चल रहा है, और इस टाइम पे तो रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, मतलब ये समझ लीजिए पूरी रात जागते हुए बीतती है, जितने टाइम आप खुलती है पता नहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है, इसी की वजह से दिन में थकान लगी रहती है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या, क्योंकि कई लोगों, खैर मैंने सुना भी है कि हाँ प्रेगनेंसी में थकान महसूस होती है, और देखिए लाइट चली गई, जैसे लाइट जाती है ना पूरा वीडियो का मज़ा फिरकरा हो जाता है। खैर अभी लाइट भी चली गई है, ब्लॉग का एंड करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, और आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, पानी खूब पीजिए, क्योंकि इस टाइम पे गर्मियां हैं तो पानी में मैं भी खूब पी रही हूँ, डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करते हैं, ब्लॉग पसंद आया हो तो आप लोग को पता है आप लोग क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।